हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम 12th केमिस्ट्री में बेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हम जो अभिक्रिया की दर इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया है, तो अभिक्रिया की दर और जो बेग स्थिरांक में जो डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वो भी हम समझेंगे, है ना। तो आइए समझते हैं दोस्तों हम बेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट। यदि हम वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करें, बेग स्थिरांक की बात करें, तो आपको एक चीज समझनी होगी। सबसे पहले आप ये समझो, मान लेते हैं ये कोई अभिक्रिया है NaCl और ये K2SO4। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है ये अभिक्रिया के थ्रू। तो आपने अभिक्रिया की दर को समझा था, तो अभिक्रिया की दर क्या थी? यदि ये अभिकारक है, ये अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद है, तो क्या होता था? अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता था, मतलब जो अभिकारक है ये उत्पाद है, इनके सांद्रण में जो परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन की यदि हम दर निकालेंगे कि वो परिवर्तन किस रेट से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर। लेकिन यदि ये अभिक्रिया की दर, क्या बोला मैंने, ये अभिक्रिया की दर, मतलब ये dx/dt अभिक्रिया की दर होती है। ये अभिक्रिया की दर इकाई सांद्रण, क्या बोला मैंने, इकाई सांद्रण। अब ये इकाई सांद्रण क्या होता है उसको समझो पहले। इकाई सांद्रण का मतलब होता है 1 mole/L। मतलब इसमें जो अभिकारक है, उस अभिकारक की जो सांद्रता होनी चाहिए वो 1 mole/L होनी चाहिए। जैसे मान के चलो NaCl है, ये NaCl 1 mole/L होना चाहिए। मतलब 1 mole NaCl 1 liter जल में विलेय होना चाहिए। ये 1 mole NaCl 1 liter जल में अगर विलेय है तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? 1 mole/L। और 1 mole/L को ही हम बोलेंगे इकाई सांद्रता। क्या बोलेंगे? इकाई सांद्रता। उसी प्रकार ये अभिकारक K2SO4 दिख रहा है, इसकी सांद्रता भी क्या होनी चाहिए? 1 mole/L। तो ये इकाई सांद्रता हो जाएगी, है ना। तो अब यदि हम इकाई सांद्रता के साथ, किसके साथ? इकाई सांद्रता के साथ ये अभिक्रिया की दर निकालेंगे, तो ये अभिक्रिया की दर फिर कहलाएगी वेलोसिटी कांस्टेंट, बेग स्थिरांक। फिर ये अभिक्रिया की दर नहीं कहलाएगी, फिर ये कहलाएगी बेग स्थिरांक। तो ध्यान रखना आपको, इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की जो दर होगी उसे हम कहेंगे बेग स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। और अभिक्रिया की दर को तो मैंने आपको बताई दिया है, बहुत अच्छे से समझाई दिया। यदि आपने उसको नहीं समझा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसको समझ सकते हैं, ना। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है और उसको हम देखते हैं कि वास्तविक में ही क्या बराबर आ रही है या नहीं, है ना। तो इसके लिए हम मान ले रहे हैं, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। ये हमने मान लिया कोई अभिक्रिया है जो निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, है ना। और मान लेते हैं ये ए और बी दो अभिकारक हैं और कोई बन रहा है प्रोडक्ट, क्या कोई बन रहा है प्रोडक्ट पी बन रहा है ना, या फिर कोई प्रोडक्ट आप सी मान सकते हो एबीसी के रूप में, ठीक है। तो ये हमारी कोई अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया पे हम एक नियम लगाएंगे जो होता है गुलबर्ग, क्या गुलबर्ग बा बागे का द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अब ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या है, आप लोगों ने 11th में पढ़ के रखा है। अब नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। तो ये गुलबर्ग या बागे का द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसी अभिक्रिया पे लगता है,
या किसी अभिक्रिया पे लगता है। मान लेते हैं इसको हमें इसी अभिक्रिया पे लगाना है, ए प्लस बी और प्रोडक्ट बन रहा है सी। तो गुलबर्ग और बागे का जो द्रवानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि जो अभिक्रिया की जो दर होती है, क्या बोला मैंने, अभिक्रिया की जो दर होती है वह अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होती है। मतलब अभिकारकों के सांद्रण ये है, इनके गुणनफल के समानुपाती होती है क्या, अभिक्रिया की दर। तो यहाँ पर हम अगर नियम लगा देंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, dx अपॉन dt होती है। तो इसका सांद्रण क्या है, a है, तो ये सांद्रण को हम ब्रैकेट करते हैं इस वाले ब्रैकेट, सॉरी सांद्रण को हम प्रदर्शित करते हैं इस वाले ब्रैकेट से, ये वर्गाकार ब्रैकेट है। यदि किसी का हमें सांद्रण निकालना है तो वर्गाकार ब्रैकेट में रख दो तो उसका सांद्रण निकल जाता है, ठीक है। डॉट इसका सांद्रण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। तो सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती हो रही ना अभिक्रिया की दर, ये हमारा कहता है गुलबर्ग और बागे का द्रवानुपाती क्रिया का नियम। एक बार और सुन लो, गुलबर्ग और बागे के द्रवानुपाती क्रिया के नियम अनुसार किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसके बाद यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखो इधर थोड़ा सा, तो गुलबर्ग और बागे के द्रव अनुपाती क्रिया का नियम यदि हम इस पे लगाएंगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, मीन्स डी अभिक्रिया की दर क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर हम यहां पर लिख दे रहे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण के गुणनफल के। अब यहाँ पर अभिकारक का सांद्रण ए है और क्या है, बी है, तो इसको हम सांद्रण में प्रदर्शित करेंगे तो क्या रख देंगे, ब्रैकेट में ए रख देंगे, है ना। डॉट अब बी भी है अभिकारक, तो ब्रैकेट में हमने क्या रख दिया, बी रख दिया, है ना। तो इनके गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा और समझो, अब आप हमें ये बताओ अभिक्रिया की दर क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी होती है, तो ये हमने रख दिया। अब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक बराबर आता है और इसके बाद क्या आता है, एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर वो नियतांक आएगा के, और ये जो है ना वो आपको ज्यों का त्यों रख रहना है ना, इसका कोई होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना, तो ये रख दिया, है ना। तो आप जो के है वो क्या है, एक नियतांक है, और नियतांक कौन सा है, वेग नियतांक, कौन सा नियतांक, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक, नियतांक ही स्थिरांक होता है ना, तो वेग स्थिरांक। तो आप क्या लिख दोगे, जहां के एक नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेग स्थिरांक कहते हैं। अब वेग स्थिरांक कहते हैं तो हमें ये देखना है कि अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर हो रही है कि नहीं, ये आपको स्टार्ट करना है, या फिर इसकी जो परिभाषा है वो निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, परिभाषा निकालने के लिए जो इसके साथ होते हैं उसका मान क्या रख देते हो, वन रख दे, तो है ना। तो यहाँ पर ए और बी का मान हम क्या रख देंगे, वन, और ए और बी क्या है, सांद्रण है, क्या है, सांद्रण है। तो आप क्या लिख दोगे, यदि ए बराबर वन मोल पर लीटर है ना, और जो बी है उस बी बराबर भी आप क्या रख दोगे, वन मोल पर लीटर, मतलब इकाई सांद्रता हो गई, है ना। अब आप समझ रहे हो ना, ये इकाई सांद्रता है। अब ये हमने मान रखा तो ये क्या हो गया हमारा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया, के हो गया। इनका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि इनका वन मान रख दिया, कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर किसके आ गया, के आ गया। तो अब हमें आप बताओ कि dx अपॉन dt क्या है, अभिक्रिया की दर है, और k क्या है, वेग स्थिरांक है ना, k क्या है, वेग स्थिरांक है। तो वेग स्थिरांक किसके बराबर आ गया, अभिक्रिया की दर के बराबर आ गया, है ना। लेकिन कब आया, जब हमने सांद्रण का मान क्या रखा, इकाई रखा, क्या रखा, इकाई रखा। तो इसीलिए इसकी परिभाषा निकलती है इकाई सांद्रण, क्या, इकाई सांद्रण के साथ संपन्न होने वाली जो अभिक्रिया की दर है उस अभिक्रिया की दर को ही कहते हैं क्या, वेग स्थिरांक, समझ रहे ना, इसलिए इसकी परिभाषा ये लिखी है, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात करें, अब यदि कोई बोले कि इसके मात्रक निकालो तो इसका मात्रक तो भाई आप नहीं निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि अभी इसमें अभिकारक कितने हैं,
दो है, हो सकता है कभी आविकारक इसमें एक ही हो तो उसका मात्रक अलग निकलेगा, दो है तो अलग निकलेगा क्योंकि इनके मान रखने पड़ेंगे ना, अलग निकलेगा। इसी प्रकार से अगर तीन होंगे, जैसे ए बी सी तीन हो गए तो इसका अलग निकलेगा, है ना। एक और मात्रा, एक और आ गया अभिकारक डी आ गया तो और निकलेगा, पांच आ गए तो और निकलेगा, छह आ गए तो और निकलेगा। तो सीधी सी बात हमारी ये है कहने की, इसकी जो इकाई या मात्रक होता है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है ना। इसका जो अभी इकाई या मात्रक होता है वो परिवर्तित होता रहता है ना, तो इसका मात्रक या इकाई हम नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि इकाई या मात्रक तो एक ही होता है ना, सभी का एक ही होता है, किसी भी राशि का मात्रक एक ही होता है, लेकिन इसका तो परिवर्तित होता रहता है तो इसको हम निकाल नहीं सकते, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर किसी ने पूछा इसका मात्रक क्यों नहीं निकाल सकते, तो आप क्या बताओगे उसे, क्योंकि इसका मात्रक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है ना। अभी दो है, यहाँ पर दो थे तो यहाँ पर दो आया, चार आया तो कुछ और निकलता, पांच आया तो कुछ और निकलता, इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है ना। तो आई होप ये पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में डिफरेंस पढ़ते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। अब ये इक्वल तो आ गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें छोटा सा भी डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्या है। और ये दोस्तों आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है, ये हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है एग्जाम के लिए, तो ये आपको मोस्टली याद रखना है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में अंतर, तो हमने समझा था जो अभिक्रिया की दर है वो क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी है, और जो वेग स्थिरांक क्या है वो के है, क्या है वो के है। तो पहले हम थोड़ा सा अभिक्रिया की दर को पूरा समझते हैं, है ना। तो अभिक्रिया की हमने दर में देखा था, इसकी परिभाषा देखी थी कि इकाई सांद्रता के साथ, क्या बोला, सॉरी, इकाई समय अंतराल में, क्या, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर बोलते हैं। अब ये अभिक्रिया की दर आप समझ रहे हो कि ये सांद्रण पर निर्भर कर रही है, किस पर निर्भर कर रही है, सांद्रण पर, मतलब यदि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा तो ये क्या निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी, ये बिल्कुल नहीं निकलेगी, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा तो, मतलब ये सीधी सी बात है, ये अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण पर निर्भर करती है, कौन, अभिक्रिया की दर। और अगर हम आगे बात करें तो इसका हमने मात्रक क्या निकाला था, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये इसका हमने क्या निकाला था, मात्रक निकाला था। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे डी एक्स अपॉन डी टी से व्यक्त करते हैं, तो ये हमारे चार पॉइंट हुए। अब थोड़ा सा हम इसमें बात करेंगे वेग स्थिरांक पर। तो वेग स्थिरांक की सबसे पहले तो हमने परिभाषा देखी थी कि इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की जो दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। इसके बाद यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें हमने देखा था ये सांद्रता पर निर्भर करती है, लेकिन ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्यों, क्यों नहीं करती, इसमें अभिकारक दो होंगे तब भी ये निकलेगी, चार होंगे तब भी ये निकलेगी, पांच होंगे तब भी ये निकलेगी, दस होंगे तब भी ये निकलेगी। तो सीधी सी बात ये है कि जो अभिकारक है उसके सांद्रण पर ये निर्भर नहीं करती, ये उस पर निर्भर नहीं करेगी, है ना। तो यदि हमारा ये दूसरा पॉइंट हो गया, अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें, तो जो इसकी मात्रक या इकाई होता है वो किस पर निर्भर करता है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, ऐसा हमने समझा था अभी। तो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगा, कभी दो होंगे तो कुछ और होगा, चार होंगे तो कुछ और होगा, इस प्रकार से अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगा, तो इसका कोई निश्चित मात्रक नहीं होता, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम के से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, के से, है ना। तो ये हमने थोड़ा सा समझा, इसके बाद हम इसके एग्जैक्ट जो पॉइंट है उसको आप समझेंगे, है ना। यदि आप अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, है ना। तो इधर समझिएगा, हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर में इकाई समय अंतराल में, इकाई समय अंतराल, इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन
को परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। यह हमारा इसका पहला पॉइंट हुआ। अगर इसके पॉइंट की बात करें तो इकाई सांद्रता के साथ संपन्न होने वाली अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं, आप ये लिख लेना। अब इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका मान, किसका, अभिक्रिया की दर का मान, इसका मान अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर उसमें परिवर्तन हो नहीं होगा तो ये फिर नहीं निकलेगा, है ना। लेकिन इसका जो मान है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, है ना। तो क्योंकि दो होंगे तो कुछ और निकलेगा, चार होंगे तो कुछ और निकलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, है ना। तो इसका ही हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। इसके बाद यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या, मात्रक क्या होता है, मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसका हमने मात्रक निकाला था, तो इसका मात्रक ये हो गया। लेकिन इसका मात्रक जो होगा अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगा, इसका मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो इसका मात्रक है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगा। मतलब दो होंगे तो कुछ और होगा मात्रक, चार होंगे तो कुछ और होगा मात्रक, इस टाइप से ये, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। इसके बाद यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसे dx अपॉन dt से व्यक्त करते हैं, आपको ऐसा लिख लेना है, इसे dx अपॉन dt से व्यक्त करते हैं, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, k से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, k से। तो इस टाइप से ये आपके पांच पॉइंट हुए, आपकी कॉपी मतलब जो नोटबुक है उसमें बहुत अच्छे से जमा के आप लिख लेना, है ना। तो आई होप कि ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।